السلام عليكم. ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 29 है, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस आपस में मिल जाए तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्यों होती है? ड्यू टू लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेसिंग, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह होती है जिसकी वजह से डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन इसका उलट है, डिफ्यूजन का मतलब है सेपरेशन ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन में तो मिलते हैं और डिफ्यूजन में अलग अलग होना। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, जब भी रेट आ जाए इसका मतलब होता है टाइम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कोई गैस कितनी जगह घेर रही है वो डिफ्यूजन कहलाता है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो रेट हो जाएगा वी अपॉन टी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कोई गैस कितनी जगह घेर रही है। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके। 1.40 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ गैस मेजर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, इसको केल्विन बना देंगे तो 273 ऐड करवा देंगे और 300 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर हमें दिया हुआ है 900 टॉर, टॉर को एटीएम बनाना है तो 760 से डिवाइड करवाएंगे। मास हमें दिया हुआ है 273 ग्राम। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, हमें मॉलिकुलर मास निकालना है। आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.0821 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। पी वी इक्वल टू एन आर टी किया, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो पी वी अपॉन एन आर टी हो जाएगा। प्रेशर हमारे पास 1.184 है, वी हमारे पास 1.40, आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, टेम्परेचर 300 है तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.0673। अब नंबर ऑफ मोल आ गए तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट चाहिए तो एन आके डिवाइड हो जाएगा। वेट हमें दिया हुआ 2.273 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.0673, तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा 33.77 एएम। 12.5 डीएम क्यूब वेसल है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 12.5 डीएम क्यूब, मास दिया हुआ है 4 ग्राम, मीथेन 1.8 ग्राम, नाइट्रोजन 10 ग्राम, ज़ीनॉन, क्या प्रेशर होगा 0 डिग्री पर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास मीथेन का 16 होता है, वेट हमारे पास आ गया फिर 1.8, मॉलिकुलर मास नाइट्रोजन का 28 होता है, फिर वेट आ गया 10, ज़ीनॉन का मॉलिकुलर वेट 108 होता है। टेम्परेचर 0 के डिग्री है तो केल्विन बनाऊंगा, 273 ऐड करवा दूंगा, प्रेशर निकालना है। आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.0821। सबके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट 4 है, मॉलिकुलर वेट 16 है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25। फिर नंबर ऑफ मोल निकाले हम लोगों ने नाइट्रोजन के, 1.8 डिवाइड बाई 28 तो आ गया 0.064। उसके बाद फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले ज़ीनॉन के, तो 10 डिवाइड बाई 0.108 करें 0.095। फिर नंबर ऑफ मोल्स तीनों को ऐड करवाती है, टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए 0.4065। फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दिया, पी चाहिए तो वी आके डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.4065 है, आर की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर हमारे पास 273 है और वॉल्यूम हमारे पास 12.5 है। सारी वैल्यू पुट करूँगा, प्रेशर आ जाएगा 0.728 एटीएम। फोर कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम गैस फिल्डलेस फेलोस, चार कंटेनर हैं, एक 2 ग्राम हाइड्रोजन का 0 डिग्री पर, एक 1 ग्राम है हाइड्रोजन 273 पर, 24 ग्राम है ऑक्सीजन और 16 ग्राम मीथेन है। कौन सा कंटेनर? अब ये आगे क्वेश्चन नंबर 12 है बुक का, ये आप उसमें देख लीजिएगा। वेट हमारे पास है 2 ग्राम हाइड्रोजन का, टेम्परेचर 0 डिग्री है तो केल्विन बनाऊंगा, 273 ऐड करूंगा, 273 हो जाएगा। प्रेशर मालूम करना, मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2 है, आर की वैल्यू 0.0821 होती है। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट 2 है, मॉलिकुलर वेट भी 2 है तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाया, प्रेशर निकाल लिया, 22.4 आया। इसी तरीके से फिर हमने वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम है और टेम्परेचर 273 डिग्री है तो 4546 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 22.4 आएगा। इसी तरीके से दो औरों को भी सॉल्व करेंगे, 24 ग्राम ऑक्सीजन को, इनका प्रेशर निकाल लेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, फिर प्रेशर निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, फिर प्रेशर निकाल लेंगे।